हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के ये अच्छे और टिकाऊ क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार हैं, गलन, वाष्प, संघनन, हिमायन, आसवन, ऊर्ध्वपतन आदि भौतिक परिवर्तन हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसे परिवर्तन है, तो आपको बताना होगा कि ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, जल में विद्युत प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड प्राप्त होना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि किस तरीके से पूछा जाएगा। आपको इन लाइनों को अच्छे से पढ़कर दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप की उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरणों को द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्वारा संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट, कच्चे फल का पकना रासायनिक परिवर्तन होता है। आपसे पूछा जाए कि कच्चे फल का पकना कैसा परिवर्तन होता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे चार, राइट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। नेक्स्ट, लोहे पर जो जंग आ जाता है वो किस कारण आ जाता है, तो ऑक्सीकरण होने के कारण लोहे पर जंग आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिरके का मुख्य घटक क्या है, तो एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः लिटमस पेपर, फिनाथिलीन, मैथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्यतः लिटमस पेपर और फिनाथिलीन का और मैथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 और NO2 आदि के कारण होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है NO2 और SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। टैनिक अम्ल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटा सा ये टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज के ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा, संडे में 13 तारीख को। ठीक है, नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारों की आधुनिक संकल्पना लोरी एवं बॉन्स्टेड ने 1923 में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, जल में कार्बन ऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा सोडा जो होता है वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको याद करें, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, अचार के परीक्षण हेतु उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। परीक्षण के लिए उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। नेक्स्ट, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टिकाऊ और सस्ते। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, इमली में टार्टलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ये तो हो ही गया था आपका अभी। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट, जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा दूर की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर ना हो, अच्छे तरीके से छोटा सा ये टॉपिक है और आज आप फ्री भी होंगे, अच्छे से इसको तैयार करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। आप इनको हमारे साथ साथ दोहराने की कोशिश करें, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक एवं दुर्बल अम्ल हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फॉर्मिक अम्ल कैसा अम्ल है, तो
आपको बताना होगा, कार्बनिक एवं दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक श्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोका कोला का जो पेप्सी होती है खट्टा स्वाद फास्फेरिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है, फास्फेरिक अम्ल के। इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, अच्छे तरीके से तैयार करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, कपड़े के सिहाई एवं जंग के धब्बे छुड़ाने हेतु ऑक्जिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कपड़े से हम स्याही किस प्रकार हटा सकते हैं, तो ऑक्जिलिक अम्ल द्वारा कपड़े से हम स्याही हटा सकते हैं, धब्बे हटा सकते हैं, दाग धब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का खट्टापन इसमें उपस्थित स्ट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट, घी की प्रकृति अम्लीय होती है जिसका पीएच मान लगभग 6.5 होता है, ठीक है, घी की प्रकृति अम्लीय होती है और उसका मान 6.5 होता है। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे अगर आए तो। नेक्स्ट, वर्षा जल का पीएच मान 5.4 या कम होने को अम्लीय वर्षा की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, अगर इससे कम होगा तो उसको ही हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। नेक्स्ट, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा का पीएच मान 8 से अधिक होना क्षारीय मृदा कहलाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद करने की कोशिश करें, अच्छे तरीके से रीड करें। नेक्स्ट, पीएच मूल्य किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोइक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है, इम्पोर्टेंट है, याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, हो सके तो कॉपी में नोट कर लें, मानव शरीर सामान्यतः 7 से 7.8 पीएच मान के बीच कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता जे के बीच संतुलित बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। नेक्स्ट, डी ब्लॉक के कुछ तत्व हावभाव के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो हावभाव के नियम का पालन नहीं करते। नेक्स्ट, शीतलीकरण में नाइट्रोजन तत्व का ऑक्साइड होता है मेरे भाई। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, तो आपका आंसर होगा परमाणु क्रमांक ही उसका आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इन बचे हुए दिनों में अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। सभी वीडियो लगभग हर टॉपिक पर हमारे द्वारा बना दी गई हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें और उनको अच्छे तरीके से रीड करें, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सभी कमेंटों का आपकी रिप्लाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।